साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई तीन टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे मिशन भारत 3 पेज 3 के बारे में बात करेंगे। सेकंड बात करेंगे साथियों प्राइवेट चार्जेड फ्लाइट का मैटर क्या है, इस मैटर में हम बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों आपका नंबर क्यों नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैंने एक महीने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया, डेढ़ महीने पहले करवाया, इसका रीज़न क्या है। आज मेरे पास एक सबूत है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा वीडियो साथियों अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो भाई चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो जरूर कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो भाई आज हम बात कर लेते हैं, पहली बार बात करेंगे भाई। देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने पेज 3 स्टार्ट कर दिया है जो 10 जून से लेकर 1 जुलाई तक स्टार्ट है। जी हां साथियों ये लंबा प्रोसेस चलेगा, लगभग 356 फ्लाइटों का शेड्यूल इसमें बताया गया है। 356 फ्लाइटें हैं लगभग 50-60 कंट्रियों से। अब धीरे धीरे मैं वीडियो फ्लाइट से रिलेटेड बनाता रहूंगा तो भाई चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश जो भी फ्लाइट से रिलेटेड होगी मैं आपको 4-5 दिन पहले आपको हर तारीख में अपडेट करता रहूंगा। तो ये तो हो गई है। दूसरी बात प्राइवेट फ्लाइटों का भाई शेड्यूल अभी मुझे नहीं लगता हो पाएगा क्योंकि जिस तरह से माहौल बन रहा है, हालांकि इतने वीडियो बन रहे हैं फेसबुक पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो, क्योंकि लोगों को पता है कि यूट्यूब फ्लाइट वाले यूट्यूब वीडियो लोग ज़्यादा सर्च करते हैं। गवर्नमेंट ने यह बोला यानी पल पल की अपडेट देते हैं 1-1 घंटे की, जबकि उनमें सच्चाई कुछ नहीं है। प्राइवेट फ्लाइटों का अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपडेट नहीं है, जो पेज 3 बढ़ा दिया गया 1 जुलाई तक। तो मेरे हिसाब से भाई यही फ्लाइटें अभी तक चलने वाली हैं, आगे कोई नई अपडेट अगर गवर्नमेंट दे देती है तो हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। दूसरी बात भाई आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सअप भेजते हैं प्राइवेट फ्लाइट ये क्या सिस्टम है, प्राइवेट चार्जेड फ्लाइट ये समझ में नहीं आया भाई मुझे। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं सर वहाँ से फ़ोन आया, हमने वहाँ कॉल किया, 150 लोग होते ही कंपनी आपको फ्लाइट से इंडिया भेज रही है, आपको पाकिस्तान भेज रही है, ये माजरा क्या है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ क्योंकि भाई मेरे पास सॉलिड इंक्वायरी नहीं है और जब तक सॉलिड इंक्वायरी नहीं होती मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरे पे टेस्ट करके कहीं किसके झांसे में आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। फिर इसका माजरा मुझे समझ में नहीं आया कि प्राइवेट चार्जेड फ्लाइट, आप समझ गए होंगे कि एक सरकार के अलावा एक जो फ्लाइटें होती हैं उसमें 150 के करीब अगर आप हो जाते हो तो आपको वो फ्लाइट लेके इंडिया छोड़ देगी क्वारंटाइन। इसमें इंडियन एम्बेसी से वो लेना होता है, काफ़ी लोगों ने मुझे वॉइस भी भेजी थी इसके बारे में। तो आपके साथ ऐसा हुआ है कहीं, आप चार्जेड फ्लाइट से इंडिया पहुंचे हो मुझे ज़रूर बताना भाई ताकि लोगों को भी हम बता सकें। एक बात समझ में नहीं है यार, जब गवर्नमेंट लोग ये बोल रहे हैं गवर्नमेंट ने नहीं बोला कोई अपडेट, मैंने ऐसा नहीं देखा कोई पूरी साहब का विदेश मंत्रालय से ऐसा कोई अपडेट आया नहीं कि उसमें ये बताई गई है कि भाई आप प्राइवेट फ्लाइट से खुद बुक करके इंडिया आ सकते हो। हालांकि लोग बोल रहे हैं, मेरे पास ओमान से भी मैसेज आ रहे हैं, दुबई से सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप लोग ये मुझे, आपके पास कोई इंक्वायरी है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना कि ये माजरा क्या है। क्या आप 150 लोग एक साथ होते इंडिया पहुंचा देगी वो फ्लाइट आपको? तो भाई 150 लोग क्यों नहीं हो जाएंगे इंडिया से, 60-70 हज़ार दुबई से लोग आने के लिए इंडिया तैयार बैठे हैं और 360 हज़ार कल का मैंने वीडियो बनाया था, 360 हज़ार से ऊपर लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और लोग इंडिया आने के लिए त्राई त्राई कर रहे हैं। तो फिर चार्ज एंड फ्लाइट है तो फिर मेरे हिसाब से 10 दिन के अंदर पूरी वर्ल्ड को लाके जितनी भी वर्ल्ड में दुनिया है उसको इंडिया छोड़ सकती है फिर। दूसरी बात ये कि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन, मैं जो सोचता हूँ कि गवर्नमेंट आपको ये बोलती है कि आप चार्जेड फ्लाइट अपना लो और आप इंडिया आ जाओ तो फिर ये गवर्नमेंट खुल छूट क्यों नहीं दे देती इस मामले में? गवर्नमेंट क्यों फिर अपने अंडर में लेके पूरा तामझाम कर रही, क्या जरूरत है फिर भाई? एक तरफ तो गवर्नमेंट बोलती है हमारे थ्रू ही आपको आना पड़ेगा इंडियन एयरलाइंस से, आपको सबको पता है इस बातों का। दूसरी तरफ ये न्यूज़ निकल के आ रही है, लोग बोल रहे हैं कि आप पर्सनल फ्लाइट से 150 के करीब आप होते ही इंडिया पहुंच जाते हो तो ये माजरा क्या है? मुझे समझ में नहीं आई भाई। तो आपके पास अगर ऐसा न्यूज़ हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए ताकि हम लोगों को बता सकें। अब मेरे पास लोग कमेंट करते हैं, मेरे पास वॉइस भेजते हैं, एजेंटों की वॉइस भेजते हैं, लेकिन भाई मैं इस चीज़ पर विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता इस बात का। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर गवर्नमेंट ऐसा ऑप्शन आपको दे रही है तो गवर्नमेंट फिर प्राइवेट फ्लाइटों को चालू क्यों नहीं कर देती, परमिशन दे देगी, ठीक है आप लोगों को लेके आओ, टिकट बुक करो और इंडिया नॉर्मल तरीके से जो पहले से चल रहा था 3 महीने पहले वो चल जाएगा आराम से। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट ने पूरी वो रस्सी पकड़ के रखी है कि पूरा हमारे कंट्रोल में चलेगा। एक तरफ बोलते हैं प्राइवेट फ्लाइटों से इंडिया पहुंच रहे हैं, वो फलाना पहुंच रहा है, वो कंपनी ने ऐसा एक बार सुनने में आया था कि कोई होटल का मालिक था, उसने केरला के अपने 150-100 के कितने बंदे थे प्राइवेट से उसने पहुँचाए, ये तो चलो मान लेते हैं ऐसा हो जाता है, गवर्नमेंट परमिशन दे देती है। लेकिन ये नॉर्मली हो जाता है 150 बंदे होर इंडिया पहुँच जाए, 150 बंदे होर इंडिया पहुँच जाए हर कंट्री से, तो फिर तो प्राइवेट का ये सिस्टम इतना ताम झाम पेज 2-3
करने का क्या मतलब है फिर? एक सवाल ये हो गया, आपके पास कोई पुख्ता न्यूज़ है तो ज़रूर मुझे आप व्हाट्सअप करिए। तीसरे नंबर पे बात करेंगे साथियों कि आपका फ़्लाइट में नंबर क्यों नहीं आ रहा। बहुत सारे लोगों की मैसेज आ रहे हैं कि सर हमने 1.5 महीना हो गया, हमने 25 दिन हो गए, हमने 1 महीना हो गया। मेरा दोस्त है सर राजस्थान का, जोधपुर का, पर्वत सिंह नाम का है, उन्होंने मुझे वॉइस भेजी है और क्वारंटाइन का भी उन्होंने मुझे बताया राजस्थान का, उसका मैं अलग से वीडियो डालूंगा, आप देख लीजिए भाई, वो वीडियो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। उन्होंने बताया कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका नंबर नहीं आ रहा एक महीने से, क्योंकि उन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 10 दिन पहले इंडिया एम्बेसी गया, दुबई एम्बेसी गया, मेल करी, 10 दिन में उस बंदे का नंबर आ गया और वो क्वारंटाइन आया, 4 तारीख को दुबई जयपुर राजस्थान पहुँच गया। जी हाँ साथियों, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने 1-1 महीने से, आप तो बैठे हो राजा भोज होके कि हाँ हमने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, एम्बेसी से कॉल आएगा, पता लगे वो डेटा ही उनसे डिलीट हो गए, डेटा ही नहीं है उनके पास। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले वालों को भूल गए, नए जो आवेदन आ रहे हैं उनको लेके वो उनको कॉल करके वो उनकी टिकट फ्लाइट बना के इंडिया भेज रहे हैं? तो भाई अगर आपने 1-1.5 महीने से किया तो आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करवा लें। मैं बताऊँ आपको मेरी जो थिंकिंग है, आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाएं या फिर आप एम्बेसी तो दोबारा कॉन्टेक्ट करें, दोबारा मेल करें, दोबारा अपने डॉक्यूमेंट दें, हो सकता है आपका नंबर जल्दी आ जाए। क्योंकि ये एग्जाम्पल है मेरे पास, लाइव एग्जाम्पल है, पर्वत सिंह नाम का बंदा हमारा दोस्त जो 7-8-10 महीने पहले दुबई गया था, वो मात्र 10 दिन में इंडिया पहुंच गया, 10 दिन के अंदर। और आप बैठे हो, आप बोल रहे हो कि हमने 1 महीने से बैठे हैं, तो ये माजरा कहाँ पे अटक के आ रहा है? आप सोचने की बात है ना ये, तो इस बात पे थोड़ा आप गौर कर सकते हैं। बस ये 3 अपडेट थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम।